सो हे व्हाट्स अप गाइस, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप लोगों को मेरा एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं i5-4590 के बारे में, जो कि 2014 में रिलीज हुआ एक पुराना फोर्थ जनरेशन का इंटेल प्रोसेसर है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या आप लोगों को इस प्रोसेसर को 2024 में परचेस करना चाहिए अगर आप करना चाहते हो, एंड अगर आप कर लेते हो तो आप लोग ओवरऑल परफॉर्मेंस, एडिटिंग परफॉर्मेंस एंड गेमिंग परफॉर्मेंस कैसा देखने को मिलने वाला है। इन्हीं सारे चीज़ों के बारे में आज जो कि इसकी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, ज़्यादा कोई ज़्यादा टाइम का होते हैं आज का हमारा वीडियो को हम कर लेते हैं यहाँ पर स्टार्ट। सबसे पहले गाइस यहां पर हम लोग को जो किया दो सिनेरियो उसको पकड़ लेंगे। एक सिनेरियो हो गया आप अपग्रेड करना चाहते हो, आपके पास कोई एक पुराना कंप्यूटर है जिसमें जो किया आप लोग फोर्थ जनरेशन का कोई पुराना सीपीयू यूज कर रहे हो पेंटियम या फिर i3, तो फिर वहां से आप i5 में अपग्रेड करना चाहते हो तो क्या आप लोग अपग्रेड करोगे, करना चाहिए आप लोगों को इस प्रोसेसर में उसके बारे में। दूसरा सिनेरियो है कि गाइस आप एक नया कंप्यूटर बिल्ड करना चाहते हो, आपका बजट लो है, क्या आप लोगों को फिर ये वाला सीपीयू लेना चाहिए कि नहीं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहां पर अगर हम बात कर ले इसकी प्राइसिंग की, तो इंडियन मार्केट में आप लोगों को जो कि इजीली 2,000-3,000 के बीच में अवेलेबल देखने को मिल जाएगा अमेजोन पे एंड बहुत अलग अलग जगह में। रिफर्बिश्ड ऑफ कोर्स यहां पर आप लोगों को जो कि सेकंड हैंड देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो कि डिसकंटिन्यूड हो चुका है, इसका मतलब नया कोई अभी नहीं आता है यूनिट। तो अब बात करें अगर इसके फीचर्स के बारे में, मेन फीचर्स के बारे में, अगर आप इसका जो कि पूरा स्पेसिफिकेशंस देखना चाहते हो तो मैं यहाँ पर आप लोग को स्क्रीन में स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप पढ़ सकते हो। अगर इसके मेन फीचर्स के बारे में बात करें तो गाइस यहाँ पर आप लोग को जो कि है इसका जो कोर काउंट देखने को मिलेगा वो आप लोग को 4 कोर देखने को मिलेगा एंड थ्रेड काउंट यहाँ पर आप लोग को जो कि 4 थ्रेड देखने को मिलेगा। मतलब इसमें जो कि आप लोगों को हाइपर थ्रेडिंग देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये क्वाड कोर सीपीयू है एंड ऑफकोर्स फोर्थ जनरेशन का है, तो यहाँ पर आप लोग को जो कि कोई हाइपर थ्रेडिंग आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो। इसका अगर बेस फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो है 3.3 गीगाहर्ट्ज़, मैक्स फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो है 3.7 गीगाहर्ट्ज़ गाइस। एंड अगर हम बात करें इसकी स्मार्ट कैश की, तो यहां पर आप लोगों को जो कि 6 MB इंटेल स्मार्ट कैश देखने को मिल जाता है। अब सबसे पहला सिनेरियो को हम पकड़ लेते हैं कि अगर आप एक अपग्रेड करना चाहते हो, आपके पास एक फोर्थ जनरेशन का मोबो है एंड उसमें कोई आप पुराना फोर्थ जनरेशन का इंटेल सीपीयू यूज कर रहे हो i3 फोर्थ जेन या फिर पेंटियम वाला, तो क्या आप लोग अपग्रेड करना चाहिए? तो गाइस जी हाँ, बिल्कुल आप लोगों को अपग्रेड करना चाहिए। इस प्रोसेसर को आप ले सकते हो, 2,000-3,000 रुपीज़ के अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा इंडियन मार्केट में। एंड इसके साथ आप कौन सा वाला ग्राफिक्स कार्ड पेयर करोगे आपके बजट के अनुसार। अगर आपका पास बजट कम है तो यहाँ पर आप लोग जो कि RX 570 या फिर RX 580 जैसे ग्राफिक्स कार्ड लगा सकते हो, या फिर GTX 1650 जैसे ग्राफिक्स कार्ड लगा सकते हो। अगर आपका बजट हाई है तो यहाँ पर आप लोग जो कि RTX 2060, RTX 3060 टाइप ग्राफिक्स कार्ड भी यहाँ पर जो कि आप लोग पेयर कर सकते हो, आपको कोई बॉटल नेक देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो अगर इसी सिनेरियोज में अगर आप अपग्रेड कर लेते हो एंड रैम आपका मैं पकड़ लेता हूँ आप 16 GB से ऊपर या फिर 16 GB ही लगाने वाले हो, तो यहाँ पर आप लोगों को जो परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, ओवरऑल परफॉर्मेंस, वो आप लोगों को कड़क ओवरऑल परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। पीसी एकदम स्मूथ रहेगा। जी हाँ, आपको एक SSD भी लगाना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, HDD से काम नहीं होगा। SSD पीसी के स्मूथनेस में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ओवरऑल परफॉर्मेंस के स्मूथनेस पे। तो SSD आपने लगा लिया तो आपका पीसी एकदम बहुत स्मूथ चलेगा, कोई दिक्कत आएगा नहीं। एडिटिंग की बात करें तो गाइस यहाँ पर आप 1080p लेवल की जो की है एडिटिंग जो कि स्मूथली कर सकते हो, 1080p लेवल 60 FPS की जो एडिटिंग हो जाए वो आप लोग जो कि है यहाँ पर स्मूथली कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है प्रीमियर प्रो जैसे सॉफ्टवेयर्स में। हाँ, अगर आप 4K में करना चाहते हो तो ज़रूर दिक्कत आएगा, तो 1080p में यहाँ पर आप लोगों को बाउंड होकर रहना पड़ेगा। अगर आप ग्राफिक्स कार्ड थोड़ा हाई एंड लगा लेते हो, RTX 3060 वगैरह, तो वहाँ पर आप लोग को जो कि ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा 4K में भी, लेकिन 1080p आप लोगों पर जो कि एकदम स्मूथ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। एंड बात करें यहाँ पर अगर फोटो एडिटिंग Adobe प्रीमियर प्रो वाला एडिटिंग की, Adobe फोटोशॉप वाला एडिटिंग की बात करें, तो वहां पर भी आप लोगों को कोई ज्यादा दिक्कत नहीं देखने को मिलेगा, इजीली जो कि यहां पर आप लोगों को हो जाएगा स्मूथली। बात करें अगर गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो गाइस अगर आप 1080p मीडियम टू हाई सेटिंग्स में गेमिंग यहां पर कर ले तो इस वाले सेटअप के अंदर, तो यहां पर आप लोगों को जो कि ठीक ठाक FPS देखने को मिल जाएगा, 40-60 FPS आपका देखने को मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाला। अगर आपको बेंचमार्क्स देखना है, मैंने कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, तो वहां पर जाकर आप जो कि बेंचमार्क्स देख सकते हो अलग अलग गेम्स का, आप लोगों को अंदाजा अच्छा खासा लग जाएगा ठीक ठाक ही है, मतलब अच्छा है। तो अपग्रेडेबिलिटी सिनेरियो के हिसाब से अगर हम देखें, तो जी हाँ, आप लोग जो क्या इस प्रोसेसर को 2024 में परचेस करके आपका पीसी को अपग्रेड कर लेना चाहते हो। अब बात करते हैं नया पीसी बिल्ड करना चाहते हो, या फिर अगर आपके पास कोई थर्ड जनरेशन सेकंड जनरेशन का मदरबोर्ड है, उससे आप लोग नया फोर्थ जनरेशन का मदरबोर्ड लेके i5 फोर्थ जनरेशन लगाने वाले हो, ये दो सिनेरियोस को पकड़ लेते हैं। एक हो गया आपका नया पीसी बिल्ड करना है, या फिर मेन मतलब आप एक नया मदरबोर्ड खरीदने वाले हो i5 फोर्थ जनरेशन के लिए, मतलब फोर्थ जनरेशन मदरबोर्ड। तो अगर आप ऐसे केस में i5 फोर्थ जनरेशन लगाने का सोच रहे हो, तो भाई बिल्कुल i5 फोर्थ जनरेशन आप लोगों को यहाँ पर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गाइस ये 10 साल पुराना प्रोसेसर हो चुका है एंड जब आप
एक नया मदरबोर्ड पे स्पेंड कर रहे हो तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है कि आप एक 10 साल पुराना मदरबोर्ड खरीदो, मतलब 10 साल पुराना जनरेशन इंटेल सपोर्ट करने वाला मदरबोर्ड खरीदो एक 10 साल पुराना प्रोसेसर के लिए। जी हाँ गाइस, इसका कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि इसमें आप लोगों को फ्यूचर अपग्रेडेबिलिटी ऑप्शंस बिल्कुल भी जीरो देखने को मिलेगा। जी हाँ गाइस, जीरो। क्योंकि अगर आप ग्राफिक्स कार्ड RTX 3060 तक तो लगा लोगे, लगाने के बाद आप लोगों को अच्छा खासा गेमिंग परफॉर्मेंस तो देखने को मिल जाएगा, इंस्टेंट बूस्ट वगैरह सब कुछ आप लोगों को पीसी में देखने को मिल जाएगा, लेकिन फ्यूचर में आप कुछ भी अपग्रेड नहीं कर सकते हो, 4000 सीरीज तक नहीं जा सकते हो, SSD भी आप लोग कोई अच्छा खासा नहीं लगा सकते हो तो 4th जनरेशन या फिर 5th जनरेशन, एंड आप लोग को DDR3 रैम पे ही बाउंड होना पड़ेगा जिसका हाईएस्ट स्पीड ही आप लोगों को यहाँ पर 1600 मेगाहर्ट्ज़ का देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर आप नया पीसी बिल्ड करना चाहते हो तो इसको लेने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि गाइस ये बहुत पुराना हो चुका है, 10 साल पुराना हो चुका है। सो अगर आप लोग को नया मदरबोर्ड ही लेना है, नया पीसी बिल्ड ही करना है, तो मैं आप लोग को यहाँ पर बेस्ट सजेशन देने वाला हूँ, आप लोग 12th जनरेशन के साथ चले जाइए क्योंकि 2024 के हिसाब से अगर बेयर मिनिमम की अगर हम बात कर ले तो वो है गाइस 12th जनरेशन, क्योंकि 12th जनरेशन के इंटेल मदरबोर्ड में आप लोग को जो कि यहाँ पर लाइक बहुत सारे अपग्रेडेबिलिटी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, लाइक आप DDR5 रैम तक जा सकते हो, इवन RTX के जो 5000 सीरीज के ग्राफिक्स कार्ड आने वाले हैं फ्यूचर में उन तक अपग्रेड कर सकते हो। यहाँ पर आप SSD भी जो कि यहाँ पर लाइक आपका हो गया 5th जनरेशन के SSD वगैरह आप तक लगा सकते हो, आप 64GB रैम वगैरह, मतलब बहुत कुछ अपग्रेडेबिलिटी ऑप्शंस यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा अगर आप 12th जनरेशन के साथ जाते हो। सो यहाँ पर अगर आपको नया पीसी बिल्ड करना है, बजट बहुत कम है, आप 4th जनरेशन के साथ ही करना चाहते हो, लाइक 2000 का आपका प्रोसेसर पकड़ लिया, 3000 का मदरबोर्ड पकड़ लिया, ऐसा कुछ है तो गाइस पीसी मत ही करें, तो मैं आप लोगों को बेहतर बताऊंगा क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, आप अपग्रेड नहीं कर सकते। इंस्टेंट आपका अच्छा परफॉर्मेंस, मतलब ठीक ठाक परफॉर्मेंस ज़रूर मिलेगा GTX 1650 एंड i5 4th के साथ, लेकिन वहाँ पर आप लोगों को फिर मतलब अगर आप 4th जनरेशन से अपग्रेड कर रहे हो, आपके पास ऑलरेडी मदरबोर्ड है तो तब सही है, लेकिन अगर आप नया ही खरीदने वाले हो तो रुक जाओ थोड़ा, पैसे वैसे ठीक ठाक से बचाओ, सेविंग करो, मिनिमम अगर आपके पास 20K हो जाए ना तो उसमें भी आप i3 12th जनरेशन के साथ जा सकते हो, बाद में ग्राफिक्स कार्ड लगा लेना, अभी के लिए जा सकते हो। इंटेल UHD 730 में आप मतलब एडिटिंग गेमिंग परफॉर्मेंस आप लोगों को उतना अच्छा नहीं मिलेगा, मतलब गेमिंग की बात करें अगर आपको AAA टाइटल्स खेलना है तो वहाँ पर आप लोगों को अच्छा परफॉर्मेंस ज़रूर नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन FPS गेम पे आप लोगों को जो कि अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा, एंड बाकी बात करें एडिटिंग भी ठीक ठाक हो जाएगा तो ओवरऑल परफॉर्मेंस आपका फिर भी सही रहेगा विदाउट ग्राफिक्स का 12th जन i3 के साथ। उसमें आप लोगों को अपग्रेडेबिलिटी बहुत अच्छा मिलेगा, बाद में बहुत कुछ कर सकते हो उस पीसी में, कड़क आपका खतरनाक पीसी बनेगा, बहुत कुछ हो जाएगा। तो वही मैंने बताया आप लोगों को कि अगर आप लोगों को नया लेना है तो मत ही लो इसको 2024 में, 10 साल पुराना है, बट अगर आप अपग्रेड कर रहे हो, नया मदरबोर्ड आप नहीं लेना चाह रहे हो, पुराना आपके पास पीसी है उसको अपग्रेड करना चाहते हो तो बिल्कुल आपको बूस्ट कड़क मिलेगा। सो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चलिए मिलते किसी और वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा टेक केयर।